सर मैं 36 घंटे से अपना मरीज लेकर खड़ा हूँ, मेरा बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ है, इन्फेक्शन का डर है सर, और रोड पर यहाँ मच्छर काट रहे हैं, मेरी पत्नी को कोई सुविधा नहीं है, और सर कोई एम्बुलेंस वाला कोई कुछ सुन नहीं रहा है सर, एक गरीब आदमी का। क्या अभी आप बता रहे थे कि पैसे लेके? हाँ, यहाँ पर सर एक 102 नंबर एम्बुलेंस थे, हम आए, रिक्वेस्ट किए, हम कहे कि सर हमको हमारे घर छोड़ दिए, तो बोले 51 किलोमीटर हमें छोड़ेंगे सर, 48 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर वाले को लोग 400, 300, 200 रुपये ले जाकर सर छोड़ दे रहे हैं सर, हम उसका जवाब दे ही है, तेरे को तैयार हैं सर जहाँ कहेंगे। आप किसी अधिकारी से संपर्क किया है? जी, मैंने अभी DM साहब को फोन किया है सर, जब हमारे बच्चे को मच्छर काट रहा है, इन्फेक्शन होने का डर है, तो हमने DM साहब को फोन किया, DM साहब ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले हमने फोन किया है। नहीं, अस्पताल के कोई कर्मचारी? जी, अस्पताल के कर्मचारी लोग, मैं वहां जाकर सिस्टर लोग से बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ, वो लोग ऐसे झाड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ जबरदस्ती आए हुए हैं, हमारा कोई यहाँ हॉस्पिटल में अधिकार नहीं है सर। गाड़ी लेट आने के बारे में मुझे भी अवगत कराया गया था आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और मैंने तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं विकास कुमार सिंह, उनको सूचित किया था कि इस तरीके से 3 महिलाएं हैं और उनको तुरंत वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, तो मेरे कहने के बाद गाड़ियाँ आ गई थी और उनको शिफ्ट करा दिया गया था। लेट अगर हुई हैं तो इसके लिए मैं जांच कर रहा हूँ, और हिदायत ये है कि टाइम से है ना सारी गाड़ियाँ पहुँचे, 102, 108। जहाँ तक पैसा लेने की समस्या है तो मैं उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उनको कॉल कर रहा हूँ, और उनको साथ लेकर जो 102 और 108 के जो ड्राइवर हैं उनकी मीटिंग लेता हूँ और उनको कठोर चेतावनी देता हूँ, अगर इस तरह की उन्होंने हरकत कभी दोबारा की तो उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाए।